हेलो फ्रेंड्स, माय साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। और लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं किसी समरूप आवेशित चालक या अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। और आज हम देखेंगे आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों, हम इससे पहले विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके साथ विद्युत स्थितिज ऊर्जा संबंध होती है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, संबद्ध होती है। यानी कि दोस्तों, एक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक, यानी किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये डेफिनेशन हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखी थी। यानी कि दोस्तों, कि किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब ये दोस्तों, कार्य कितना होता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि दो आवेशों का, यानी कि दो आवेश हो हमारे पास, स्थिर बिंदुवत आवेश हो, तो उनके निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तीन बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं दो बिंदुवत आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है इसके बाद कि दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यानी कि दोस्तों, कोई निकाय है और उसमें मैं लूंगा दो स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 और Q2। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दोस्तों, ये कोई निकाय ले लेता हूं मैं और इसमें दो मेरे पास बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R और ये A बिंदु और ये B बिंदु। दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि दो स्थिर बिंदुवत आवेश है मेरे पास Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी मान लेता हूं मैं R, तो एक निकाय बन जाता है। अब दोस्तों, मेरे को इन दोनों आवेशों के कारण एक युग्म बन गया है, तो इसके कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मेरे को गणना करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो बिंदु आवेश है Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाऊंगा। अब दोस्तों, अभी क्यों मेरे पास Q1 आवेश है और इसको मैं अनंत से बिंदु A तक ला रहा हूं, तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। दोस्तों, क्या हो जाएगा कि देखो, अगर केवल एक आवेश है तो दोस्तों, एक आवेश है तो सबसे पहले मैं एक आवेश लेकर आ रहा हूं, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा, तो यानी कि उसका जो विभव है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किया गया कार्य उसको मैं W1 मान लूं, तो W1 बराबर हो जाएगा कि बिंदु A पर विभव। दोस्तों, W बराबर क्या होता है, Q into V, यानी कि आवेश इंटू विभवांतर। तो बिंदु A पर विभव या विभवांतर इंटू कौन सा आवेश लेके आ रहा है, Q1, यानी इंटू Q1। तो दोस्तों, बिंदु A पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी कि इस पे विभव का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो इंटू Q1, यानी कि W1 का मान मेरे पास आ जाता है Q1। ऐसे ही दोस्तों, अब Q1 मेरा यहाँ है, अब मैं
Q2 आवेश को ला रहा हूँ अनंत से। तो दोस्तों Q2 आवेश को लेके आऊँगा, तो पहले तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, अब पहले से यहाँ Q1 आवेश प्रेजेंट है। तो जैसे ही Q2 को लेके आऊँगा तो ये क्या करेगा कि कोई भी बिंदुवत आवेश है उसके पास अन्य आवेश लाते हैं, तो वह क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है। क्यों? क्योंकि इस आवेश के कारण अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों इसके कारण यानी कि अब मैं ला रहा हूं कि जो आवेश Q2 को अनंत से B बिंदु तक ला रहा हूं, कि आवेश Q2 को B बिंदु तक लाने में कार्य, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कार्य को W। और दोस्तों क्या होगा कि बिंदु B पर विभवांतर और इसका आवेश यानी Q2, तो बिंदु B पर विभव इंटू Q2। तो दोस्तों अब यहाँ एक आवेश Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो बिंदु B पर विभव इस आवेश के कारण हो जाएगा। तो दोस्तों आवेश किसी स्थिर आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, दोस्तों V होता है KQ अपॉन में R। तो दोस्तों इस पर विभव होगा इस आवेश के कारण, तो ये आवेश कितना है Q1, दूरी क्या मानी मैंने R1। तो दोस्तों ये हो जाता है W2 बराबर KQ1 अपॉन में R, और दोस्तों ये आवेश Q2। तो ये हो गया Q2। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आई W इक्वल टू Q1, और यहाँ से W2 आ जाता है मेरे पास W2 इक्वल टू KQ1.Q2 अपॉन में R। तो दोस्तों ये हो जाती है इक्वेशन 2, ये मेरी इक्वेशन 1। तो इन दोनों आवेशों के कारण जो किया गया कार्य है दोनों आवेशों को लाने में, उनको यदि मैं जोड़ दूं तो ये जो दो आवेशों का निकाय है इसकी कुल मेरे पास इससे ऊर्जा आ जाएगी। तो दोस्तों मैं जोड़ लेता हूँ, यानी कुल कार्य तो वो मेरे पास हो जाएगा दोस्तों W इक्वल टू W1 प्लस W2, यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये तो क्या आ गया है, जीरो जीरो इंटू Q1, यानी ये तो आया मेरे पास जीरो। तो W इक्वल टू 0 प्लस KQ1.Q2 अपॉन में R। अब दोस्तों ये आ गया W बराबर मेरे पास KQ1.Q2 अपॉन में R। कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो किया गया कार्य उसकी स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ W इक्वल टू UK, यानी ये हो जाएगा Q1.Q2 अपॉन में R। तो यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं जो स्थित ऊर्जा है उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ये जो दोनों आवेश हैं, दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जो अगर मान लो Q1 आवेश मेरे पास पॉजिटिव हो और Q2 आवेश जो दूसरा लेके आ रहा हूँ वो नेगेटिव हो, तो क्या होगा, यानी कि स्पेशल केस बन जाता है स्थित ऊर्जा के लिए स्पेशल। फर्स्ट मैं ले लेता हूँ दोस्तों कि यदि Q1 इक्वल टू Q2 ये क्या हो दोस्तों, समान हो। अब दोस्तों हमें पता है कि समान आवेश क्या करते हैं, दोस्तों समान आवेश क्या करते हैं, समान आवेश आकर्षण करते हैं। तो दोस्तों यानी कि इनके बीच जो बल होगा वो आकर्षण का बल होगा, और अगर समान आवेश होंगे तो U क्या आएगा, धनात्मक, यानी कि U धनात्मक, यानी कि स्थित ऊर्जा धनात्मक होगी और किया गया कार्य भी क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी कि कार्य धनात्मक होता है। तो यानी कि जब दो आवेश पहले से प्लस आवेश से जब माइनस आवेश लेके आ रहे हैं
तो जो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। इसके विपरीत यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू हो, और दोस्तों यहाँ से मैं लिख भी सकता हूँ, यानी कि जैसे फर्स्ट केस है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अगर दोनों समान आवेश है यानी कि माइनस माइनस होंगे तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस ही रहेगा, यानी कि W इक्वल टू Q1 डॉट Q2 अपन में R। समान आवेश के लिए U धनात्मक आ गया मेरे पास क्योंकि कार्य भी धनात्मक है। ऐसे ही सेकेंड केस हो सकता है जब Q1 और Q2 क्या हो, ऐसा मान हो यानी कि एक प्लस हो एक माइनस हो, या फिर एक माइनस हो दूसरा प्लस हो। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि जो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और दोस्तों किया गया कार्य ऋणात्मक होगा तो स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों ये था दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब यदि दोस्तों जो निकाय है वो तीन स्थिर बिंदुवत आवेशों से मिलकर बना हो तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, वो भी मैं देख लेता हूँ। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं मान लेता हूँ तीन, यानी कि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, या फिर तीन बिंदुवत आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, या फिर यदि बहुत से आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा है तो वो कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों दो से अधिक होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, उन दो दो का युग्म बना के, और उनका फिर हम बीजगणितीय योग कर लेते हैं। उससे हम तीन आवेशों के निकाय के कारण, चाहे चार के कारण निकाले या फिर एन आवेशों के निकाय के कारण निकाले, तो ऐसे हम किसी भी एन आवेशों के युग्म की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, मैं बोलूँ दो या दो से, सॉरी दो से अधिक, दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि दो से अधिक आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, या फिर हम मैं बोल सकता हूं कि तीन तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, या तीन आवेशों से मिलकर बने युग्म की स्थितिज ऊर्जा, कैसे भी मैं बोलूं, तो दो से अधिक होगी तो उसके लिए क्या पैटर्न है देखते हैं दोस्तों। तो इसके के लिए हम क्या करते हैं, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास तीन स्थिर बिंदुवत आवेश हैं दोस्तों, दोस्तों ये मैं मान लेता हूं कि कोई निकाय है जिसमें तीन स्थिर बिंदुवत आवेश हैं। दोस्तों ये मैं मान लेता हूं Q1 आवेश है मेरे पास, ये दोस्तों मेरे पास Q2 है और ये Q3 है। इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं P1, इसको नाम दे देता हूं P2 और इसको नाम दे देता हूं P3, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसको नाम दे देता हूं मैं R12, इसको R23 और इसको नाम दे देता हूं मैं R31। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि कोई निकाय है तीन स्थिर बिंदुवत आवेशों से मिलकर बना है और उसमें तीन बिंदु है P1 P2 P3, और इनकी स्थितियां हैं या इनके बीच की दूरी है इन आवेशों के मध्य R12, R31 और R23 है, तो इसकी आप भाषा लिख सकते हैं। तो दोस्तों सेम पैटर्न रहेगा, वैसा ही मैं करूँगा कि
सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि Q1 आवेश को ला रहा हूँ मैं अनंत से, तो Q1 आवेश को अनंत से P1 बिंदु पर लाऊंगा। तो दोस्तों अब इनको आप भूल जाइए कि ये मेरे पास आवेश है ही नहीं, Q2 और Q3 नहीं है, केवल Q1 को अनंत से बिंदु P1 तक लाने में कार्य, यानी कि W1 मान लूं मैं, तो ये हो जाएगा बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव इंटो आवेश किसको लेके आ रहे हैं, Q1 को। सेम वही फॉर्मूला, W इक्वल टू QV, यानी विभवांतर या विभव कितना है P1 पर और आवेश कितना है। तो दोस्तों Q1 आवेश और P पर विभव कितना होगा, अभी इनको आप मत देखिए, केवल Q1 को ही देखिए। तो Q1 आवेश है तो इसी को लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट नहीं है तो विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू हो जाता है मेरा 0 × Q1, यानी कि ये मेरे पास आ गया W इक्वल टू Q1, सॉरी 0 आ गया मेरे पास, 0 × Q1 यानी W इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब दोस्तों अब मैं लेके आ रहा हूँ Q2 आवेश को, लेके आऊँगा Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P2 तक लेके आऊँगा। अब दोस्तों यहाँ सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, Q3 को तो आप अभी भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि अब Q1 पहले से है और मैं Q2 को लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही Q2 को लेके आऊँगा तो ये एक बल महसूस करेगा आकर्षण प्रतिकर्षण का, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है Q1 कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक है, क्योंकि यहाँ इस स्थिर बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत विभव होगा, तो दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, एक बल महसूस करेगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, Q2 को अनंत से बिंदु P2 तक लाने किया गया कार्य, तो ये कितना हो जाता है, अब W2 होगा कि अब पहले से मेरा आवेश है Q1 यहाँ है और Q2 को ला रहा हूँ, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा और इसके कारण विभव भी होगा, यानी कि बिंदु P2 पर विभव और इनटू आवेश Q2। तो दोस्तों P2 पर विभव क्या होगा, बिंदु P2 पर विभव होगा वही V बराबर KQ अपॉन में R से, तो ये हो जाता है K Q, ये आवेश और दूरी R12, यानी R12 ये हो जाएगा बिंदु P2 पर विभव, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ K Q1 R12 इंटू Q2, यानी दोस्तों यहाँ से आ जाता है Q2 पर K Q1 .Q2 R12, ये आ जाता है दोस्तों W2 का मान समीकरण 2। अब मैं क्या करूँगा, अब Q3 आवेश को लेके आऊँगा, तो Q3 आवेश को मैं लेके आऊँगा तो पहले से दोनों Q1 और Q2 आवेश प्रेजेंट है, तो आप समझ गए होंगे कि Q3 आवेश को जो लाने में, यानी Q3 आवेश को अनंत से P3 तक लाने में किया गया कार्य, जो Q1 और Q2 हैं इनके कारण विभव P3 पर होगा और आवेश Q3 होगा, तो इनके गुणनफल के बराबर होगा। तो मैं निकाल लेता हूँ, यानी कि W1 आया मेरा 0, इधर मैं अगर इनको लिख लूँ कि W1 मेरे पास आया है 0, इक्वेशन मेरी 1, W2 कितना आया K,
Q1 डॉट Q2 आर 12, समीकरण दो। अब मैं लेके आ रहा हूँ Q3 आवेश को, यानी कि Q3 आवेश को अनंत से P3 बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखते हैं, यानी कि Q3 आवेश को अनंत से बिंदु P3 तक, यानी कि यह P3 बिंदु था, इस तक लाने में किया गया कार्य। अब दोनों आवेश प्रेजेंट हैं, तो इनके कारण जो विभव है, यानी कि Q1 या Q2 के कारण विभव, और किया गया कार्य को मैं मान लेता हूँ W3 से। तो Q1 व Q2 के कारण विभव और इनटू Q3। तो दोस्तों W3 Q1 में Q2 के कारण विभव क्या हो जाएगा? तो या तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ, Q1 में Q2 के कारण विभव क्या हो जाएगा, ये रहा, ये था मेरा Q1, ये Q2 और ये मेरा Q3। दोस्तों Q1 के कारण विभव था और Q2, इन दोनों के कारण विभव कितना होगा? के Q1 अपॉन में इसकी डिस्टेंस कितनी थी, ये मानी थी मैंने R31। तो R31 प्लस के Q2 के कारण विभव कितना होगा Q3 पे, यानी बिंदु P3 पे। दोस्तों ये हो जाएगा Q2, और डिस्टेंस कितनी मानी है मैंने R23, यानी कि R23 ब्रैकेट बंद इनटू आवेश Q3। तो दोस्तों ये हो जाएगा मेरा W3। तो W3 को मैं लिख सकता हूँ के Q1 डॉट Q3 R31 प्लस के Q2 डॉट Q3 R23। अब दोस्तों ये तीन मेरे पास कार्य आ गए, अलग अलग आवेशों के कारण निकाल दिया। अब मैंने को तीन आवेशों से बने निकाय की निकालना, यानी कि जो तीनों आवेशों के कारण अलग अलग कार्य आया है उनका मैं क्या करूँगा, बीजगणितीय योग करूँगा। तो मेरे को तीन आवेशों के निकाय की क्या आ जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि मैं समीकरण 1, 2 और इसको दे देता हूँ 3, इनसे सम कर लेता हूँ इनका। तो दोस्तों ये हो जाएगा समीकरण 1, 2 व 3 से। दोस्तों क्या कर सकता हूँ समीकरण 1, 2 व 3 से, मैं कुल कार्य निकाल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा W1 W2 प्लस W3। तो इसको मैं यहां से लिख लेता हूं, W इक्वल टू 0 और W2 का मान के Q1 डॉट Q2 R12, और ये मेरे पास W3 हो जाएगा के Q1 डॉट Q3 R31 प्लस के Q2 डॉट Q3 अपॉन में R23। तो दोस्तों ये हो गई तीन आवेशों के निकाय की, तीन आवेशों के निकाय के कारण कुल कार्य हो गया और किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि U यानी तीन आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा हो जाएगी के Q1 डॉट Q2 R12 प्लस के Q1 डॉट Q3 R31 प्लस के Q2 डॉट Q3 R23। तो यानी कि दोस्तों
आप यहां से देख सकते हैं कि जो भी आवेशों का युग्म है, Q1 Q2 हो या Q1 Q3 हो या फिर Q2 Q3 हो, उसका हमने दो बार यूज किया है। देखो यहाँ Q1 Q1 Q2 Q2 Q3 Q3। दोस्तों चाहूँ तो मैं यहाँ इसको समीशन लेके लिख सकता हूँ या फिर यहीं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं आगे निकाल लूँ n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो है तीन बिंदुवत आवेशों के कारण स्थित ऊर्जा का समीकरण। अब दोस्तों n अगर आवेश हो, यानी n बिंदुवत आवेशों के कारण क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपको सारा ये प्रोसीजर फॉलो करना है और बस थोड़ा सा क्या करना है इसमें कि या तो मैं W इक्वल टू यहाँ बोल दूँ, यदि n आवेशों का निकाय हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल आसान है, यानी कि n आवेशों का निकाय होगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ U इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 R12 प्लस के Q1 डॉट Q3 R31 प्लस के Q2 डॉट Q3 R23। यानी कि दोस्तों ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा अगर n निकाय होंगे। अगर मैं इसको आगे लिखना ही चाहूँ तो जैसे लिख सकता हूँ यहाँ कि Qn आवेश और इधर का क्या हो जाएगा Qn-1, ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ मैं Rn और इधर Rn-1 से डिनोट कर सकता हूँ, या फिर मैं डैश डैश करके छोड़ सकता हूँ। n आवेश होंगे तो ऐसे ही हो निकाल हम सकते हैं। अगर चार आवेशों के निकाय के लिए हो तो फिर उसमें चार के लिए हो जाएगी, जैसे Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। तो ऐसे ही अगर चार बिंदुवत आवेश होंगे तो उसके कारण हम निकाल सकते हैं। तो इसको दोस्तों मैं समीशन के रूप में लिख सकता हूँ यहाँ से कि n आवेशों के निकाय का जो व्यंजक है उसको मैं समीशन के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ देखिए कि U इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा मेरे पास। अब दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, देखना अगर मैं इसको यो लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो K कॉमन ले सकता हूँ, J इक्वल टू 1 to n एंड K इक्वल टू 1 to n, और यहाँ ले लेता हूँ मैं Q1 Qj और डॉट Qk अपॉन में Rj Rk। और दोस्तों K मैं बाहर ले लूँ, यहाँ K ऐसे लिख लेता हूँ क्योंकि एक नियतांक है, सब में से कॉमन ले सकता हूँ, मैं एक अलग इक्वेशन यहाँ भी बना सकता हूँ कॉमन लेके के, तो ऐसे लिख सकता हूँ। और दोस्तों कि जो भी Q1 Q2 जैसे हमने यहाँ युग्म बनाया कि Q1 Q2 Q2 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 Q3 Q1, यानी कि जो भी दो आवेशों के निकाय का हमने युग्म बनाया है वो प्रत्येक युग्म यहाँ दो बार लिखा जाएगा, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसमें उसका योगदान एक बार ही होता है। यानी कि प्रत्येक युग्म दो बार लिखा गया है लेकिन जो उसकी स्थितिज ऊर्जा का योगदान है, यानी कि जो संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा है उसमें उसका हमने एक बार ही काम में लिया है, यानी कि प्रत्येक युग्म के दो पद हैं लेकिन हमने कुल स्थितिज ऊर्जा में उसका एक पद ही काम में लिया है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ मैं 1/2 लगा लेता हूँ, तो दोस्तों ये मेरे पास आ जाता है स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, यानी कि n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आप चाहे तो दोस्तों इस केक को यहां भी लिख सकते हैं,
तो ये था एन आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। तो यानी कि दोस्तों ये आ जाता है। अब मैं चाहूँ तो इसको यो भी लिख सकता हूँ, के को यहाँ भी लिख सकता हूँ, और आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बुक्स में आपको लगभग ऐसा लिखा हुआ मिलता, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जे इक्वल टू वन टू एन है, के इक्वल टू वन टू एन है, लेकिन इनके मान जैसे सेम नहीं होंगे। यानी कि जैसे कि आर जे के, तो जे इक्वल टू वन टू एन है, के इक्वल टू वन टू एन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जे इक्वल टू के, यानी कि आर वन वन नहीं होगा, आर टू हो सकता है, आर थ्री हो सकता है, या फिर आर थ्री वन ऐसे, यानी सेम नहीं होंगे ये। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यानी कि मैं दोस्तों मानूंगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई द्विध्रुव रखा है, और दोस्तों द्विध्रुव भी कैसे रखा है, थीटा एंगल पे रखा है, तो उसको घुमाने में किया गया कार्य मेरे को निकालना है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान मेरा विद्युत क्षेत्र है, और इसमें कोई द्विध्रुव रखा है। दोस्तों ये मैं मान लेता हूँ, ये है F इक्वल टू क्यू E, और ये इसके दोनों ध्रुव हैं A B, और ये विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पे रखा है। अब इधर जो माइनस क्यू आवेश है, यह मैं माइनस क्यू आवेश मान लेता हूँ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू जी, अगर वेक्टर के रूप में लिखूँ तो इधर मेरा प्लस क्यू आवेश है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू, और ये दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि जो ये बल रेखा है उनकी विषमित दूरी समान है, इस डायरेक्शन में है, एंगल मेरा थीटा है। दोस्तों हमने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में देखा था सेम ये ही केस, और इसमें हमने निकाले थी बलाघूर्ण, बलाघूर्ण की गणना की थी, यानी कि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखा है और उसमें दो बलयुग्म परस्पर विपरीत कार्य कर रहे हैं, चूँकि ये संरेखीय नहीं है तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करता है। जैसे दोस्तों बलयुग्म होता है वो जैसे एक ढक्कन पे कार्य करता है, जैसे कि एक हम किसी ढक्कन को खोलते हैं तो इधर बल कार्य करता है, इधर बल काल करता है, तो जिसके कारण फलस्वरूप ढक्कन क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो उसी तरह से इस पे विपरीत दिशा में बलयुग्म लग रहा है जो इसको घुमाने का प्रयास करता है, यानी कि इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों बलाघूर्ण हम यहाँ ज्ञात नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट ऑलरेडी ज्ञात है कि बलाघूर्ण कितना ज्ञात है, टो बराबर पी साइन थीटा, ये हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि टो बराबर होता है पी साइन थीटा, ये हमने विद्युत क्षेत्र में देख लिया था पहले। अब हमें निकालना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। दोस्तों डब्लू क्या होता है, कार्य होता है बल इनटू विस्थापन। तो दोस्तों
यहाँ बल की जगह क्या होगा, बलाघूर्ण होगा, तो इनटू, और विस्थापन की जगह क्या होगा, कोणीय विस्थापन, यानी कि बलाघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन। तो दोस्तों ये कोणीय विस्थापन क्या होगा, डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू, कोणीय विस्थापन मैं मान लेता हूँ डी थीटा, यानी कि टॉ इंटू डी थीटा, ये मेरा ये है डी डब्ल्यू, तो ये कार्य हो जाता है टॉ इंटू डी थीटा। अब दोस्तों टॉ का मान मैं यहाँ से रख सकता हूँ, टॉ बराबर होता है मेरा पी ई साइन थीटा, यानी डी डब्ल्यू बराबर है पी ई साइन थीटा डॉट थीटा। अब दोस्तों मैं किया गया कुल कार्य निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं, इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, समाकलन। तो अब मैं मान लेता हूं कि द्विध्रुव को किसी कोण थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया जा रहा है, तो द्विध्रुव को थीटा, तो द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि दोस्तों मैं क्या करूंगा कि जो डी डब्ल्यू है इसका थीटा वन से थीटा टू तक समाकलन कर दूंगा, यानी कि समाकलन डी डब्ल्यू थीटा वन से थीटा टू, तो मेरे पास कुल कार्य आ जाएगा और ये हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कि W बराबर आ जाता है मेरे पास पी ई साइन थीटा, तो दोस्तों पी ई कॉन्स्टेंट है, पी ई पी क्या है दोस्तों, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है विद्युत क्षेत्र, तो इसको बाहर ले लेता हूँ और ये थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डॉट डी थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा का मैं समाकलन लूँगा, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा, तो W इक्वल टू पी ई और माइनस कोस थीटा, और इसकी लिमिट लगा दूंगा मैं थीटा वन से थीटा टू। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहेगा, पी ई कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन लिख सकता हूँ दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस के अंदर गुणा कर देता हूँ, तो W बराबर पी ई कॉस, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जो कोस थीटा वन क्या हो जाएगा, प्लस का और ये माइनस का, तो कोस थीटा वन को मैं पहले लिख लूँ और कोस थीटा टू को मैं बाद में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत, लिख सकता हूँ दोस्तों। इसको दे लेता हूँ मैं समीकरण, मेरी जो भी दी है, मान लो मैंने एक दी है तो इसको दो दे लेता हूँ समीकरण, W इक्वल टू पी कोस थीटा वन माइनस थीटा टू, यानी किसी द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, ये होता है दोस्तों। इसी समीकरण का यूज़ करके मैं निकालूंगा बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। अब दोस्तों एक नोट लिख सकते हैं आप, कि यदि मैं द्विध्रुव को साम्यावस्था से, यानी कि ऐसे द्विध्रुव रखा है साम्यावस्था में थीटा इक्वल टू जीरो से किसी कोण थीटा तक विस्थापित करूं तो कार्य कितना होगा, तो वो भी मैं लिख सकता हूं दोस्तों। यानी कि द्विध्रुव को मैं साम्यावस्था से, यानी कि जीरो डिग्री से थीटा कोण तक विस्थापित करूं तो कार्य कितना होगा, यानी कि दोस्तों थीटा वन का मान कितना ले लूं मैं, जीरो डिग्री, और थीटा टू का मान थीटा, यानी कि जीरो डिग्री से थीटा डिग्री तक विस्थापित कर रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा वन का मान जीरो डिग्री, तो कोस जीरो का मान हो जाएगा मेरा वन, तो ये पी ई और ये कॉस जीरो डिग्री माइनस कॉस थीटा टू की जगह थीटा,
तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाता है मेरे पास, W इक्वल टू पी ई, कॉस जीरो का मान 1 और ये कॉस थीटा, दोस्तों ये आ जाती है साम्यवस्था से किसी एंगल थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू पी ई। इसको ले लेते हैं हम समीकरण 3। अब दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं कि इस द्विध्रुव को मैं स्थापित करूं, एक स्थापित कर सकता हूं ऐसे द्विध्रुव को साम्यवस्था से 90 डिग्री तक विस्थापित करूं, एक ले सकता हूं साम्यवस्था से 180 डिग्री तक विस्थापित करूं, तो दो केस बन जाते हैं मेरे इसमें। तो दोस्तों दो स्पेशल केस बन जाते हैं मेरे इसमें, स्पेशल केस फर्स्ट, यानी कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी कि ऐसे रखा हो, तो ये क्या होगा, साम्यावस्था में होगा। यानी कि जब द्विध्रुव क्या हो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान होगा दोस्तों 0 डिग्री, और थीटा 2 का मान, यानी कि मैं इसको स्थापित कर रहा हूं दोस्तों थीटा 2 से थीटा 90 तक, यानी कि दोस्तों मैं इसको स्थापित कर देता हूं साम्यावस्था से 90 डिग्री तक, यानी कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान कितना होता है 0, तो मैं इससे इसको स्थापित कर रहा हूँ 90 डिग्री पर, यानी थीटा का मान 0 डिग्री और इससे स्थापित कर रहा हूँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक। यानी कि दोस्तों इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा 2 का कि W बराबर क्या था मेरे पास, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी कि W इक्वल टू हो जाएगा पी ई और कॉस थीटा 1 का मान 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो दोस्तों क्या आ जाता है मेरे पास, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और इसका मान 0, तो ये मेरे पास आ जाता है W इक्वल टू पी ई। तो दोस्तों द्विध्रुव को साम्यावस्था से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि W इक्वल टू पी ई कब अधिकतम होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री और थीटा 2 का मान 90 डिग्री। एक केस और ले सकते हैं, जब दोस्तों ये हो, जब थीटा 2 थीटा 1 हो 0 डिग्री, यानी साम्यावस्था से मैं इसको 180 डिग्री तक विस्थापित कर रहा हूँ, यानी कि यो थी और इसको मैं यो घुमा देता हूँ, तो थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 मेरा 180 डिग्री, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई और कॉस थीटा 1 का मान 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, यानी कि दोस्तों कॉस 0 का मान 1, पी ई 1 माइनस कॉस 80 डिग्री का मान माइनस का 1, तो माइनस वन प्लस का 1, यानी कि ये आ गया 2 पी ई, यानी कि यहाँ से आया मेरे पास W इक्वल टू 2 पी ई। तो दोस्तों ये मेरे पास इस ऊर्जा के लिए दो W इक्वल टू पी ई और W इक्वल टू पी सॉरी कार्य के दो व्यंजक आ गए मेरे पास, एक तो पी ई और एक W इक्वल टू 2 पी ई। तो दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं बाह्य क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा का व्यंजक निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि मैं एक द्विध्रुव लूंगा और वो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा, तो उस पर कार्य होगा और वो किए गए कार्य स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो कितना कार्य होता है और
कैसे स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है वही हम निकालेंगे। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित ऊर्जा ये निकालनी है दोस्तों मेरे को। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसमें मेरे पास कोई द्विध्रुव रखा है दोस्तों। ये मेरा द्विध्रुव रखा है यहाँ मान लेता हूँ माइनस क्यू आवेश बिंदु ए और ये मेरा आवेश है बिंदु बी प्लस क्यू आवेश। अब दोस्तों इनके बीच में दूरी होगी 2a। दोस्तों ये एक समान विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में है और इधर ही मेरा है अनंत। तो दोस्तों अनंत से किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पहले मैं जैसे क्यू आवेश को लाऊंगा मैं तो उसके उसको विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए मेरे को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो आवेश है इसके कारण इधर बल कार्य करेगा विद्युत बल F इक्वल टू माइनस क्यू ई वैक्टर। ऐसे ही दोस्तों इसके कारण इस दिशा में बल होगा F वेक्टर इक्वल टू क्यू ई वैक्टर। और दोस्तों जो द्विध्रुव आघूर्ण है इस डायरेक्शन में P वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। और दोस्तों यहाँ जो द्विध्रुव है और विद्युत क्षेत्र है एक ही दिशा में। अब दोस्तों मैं माइनस क्यू आवेश को अनंत से इस विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा तो एक तो मेरे को जो प्लस क्यू आवेश को लाने में कार्य करना पड़ता है उससे अधिक कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू आवेश पहले से प्रेजेंट है। इसके अलावा कि जो माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए 2a दूरी तय करनी पड़ेगी। तो मैं निकाल लेता हूँ कि माइनस क्यू आवेश को अनंत से अब चाहे मैं लिख सकता हूँ ए बिंदु तक लाने में किया ए बिंदु तक लिख लो या फिर लिख लो विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा? एक तो ऋणात्मक होगा। इसके अलावा जो मेरा क्यू आवेश था उसको लाने में मेरे को कम कार्य करना पड़ता है लेकिन माइनस क्यू आवेश को लाने के लिए मेरे को ये 2a डिस्टेंस और तय करनी पड़ती है। तो दोस्तों किया गया कार्य क्या होता है मैं निकाल सकता हूँ डब्ल्यू से। डब्ल्यू बराबर होता है बल इंटू विस्थापन यानी एफ इंटू डी एक्स मान लूँ मैं। तो दोस्तों बल तो यहाँ क्या हो जाएगा? बल का परिमाण दोस्तों जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण जो विद्युत बल लग रहा है वो है एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई। प्लस क्यू आवेश के कारण जो लग रहा है वो है एफ इक्वल टू क्यू ई। यानी कि दोस्तों बल तो हो गया मेरे पास क्यू ई। तो अब माइनस आवेश को लेके आ रहा हूं तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई। इसके अलावा दोस्तों डिस्टेंस क्या है? 2a दूरी मेरे को चलनी पड़ रही है इस आवेश को लाने में यानी कि 2a इंटू डी एक्स। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू माइनस क्यू इंटू टू ए इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों Q इंटू टू ए क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी कि P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। यानी दोस्तों मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू माइनस पी ई सॉरी अब ये डी एक्स हट जाएगा क्योंकि डी एक्स के स्थान पे मैंने क्या ले लिया है 2a। क्योंकि डी एक्स क्या था? जो अल्फ
जो विस्थापन है वो था, तो dx जो दूरी तय की मैंने ले ली वो 2a, तो ये आ गया मेरे पास p e, यानी कि कार्य कितना करना पड़ेगा मेरे को w इक्वल टू पी ई। तो दोस्तों यही किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, U1 मान लेता हूँ मैं, और ये हो जाएगी मेरी U1 इक्वल टू माइनस पी ई। एक दोस्तों मैं निकालूंगा कि जो द्विध्रुव है उसको विद्युत क्षेत्र में साम्यवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, तो दोस्तों वो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो दोस्तों वो हम निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला था द्विध्रुव को साम्यावस्था से, द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण तक घुमाने में कार्य, तो दोस्तों ये आया था W2 इक्वल टू पी ई वन माइनस कोस थीटा, यानी कि जो W2 है उसका मान किसके बराबर होगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा U2 के इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ U2 बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों जो कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी U1 प्लस U2 के, यानी कि U इक्वल टू U1 प्लस U2, यानी कि U बराबर लिख सकता हूँ मैं माइनस पी ई प्लस पी ई वन माइनस कोस थीटा। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाता है, U इक्वल टू पी ई माइनस पी ई प्लस पी ई माइनस पी ई कोस थीटा। तो दोस्तों पी ई से पी ई कैंसिल हो जाता है और U बराबर मेरे पास बच जाता है माइनस पी ई कोस थीटा। दोस्तों ये आ जाता है द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, दोस्तों यहाँ द्विध्रुव था, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कि U बराबर माइनस पी कोस थीटा। दोस्तों इसको मैं सदिश रूप में प्रेजेंट कर सकता हूँ, दोस्तों माइनस चिन्ह से आप ये भी देख सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है और विद्युत क्षेत्र है दोनों एक डायरेक्शन में है, लेकिन जो स्थित ऊर्जा है वो क्या है एंटी डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस का चिन्ह मैंने यूज़ किया है। तो दोस्तों U बराबर आया मेरे पास माइनस पी ई कॉस थीटा। अब इसको मैं सदिश रूप में व्यक्त करूँ तो U एक अदिश राशि है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों सदिश राशियां हैं और ये कोस थीटा है, तो कोस थीटा में क्या आता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पी वेक्टर इनटू ई वेक्टर और ये माइनस का साइन, यानी कि यू बराबर आ गया मेरे पास पी वेक्टर सॉरी डॉट डॉट प्रोडक्ट आएगा इनका पी डॉट ई वेक्टर और ये माइनस का सिंबल। अब दोस्तों हम देख सकते हैं कुछ स्पेशल केस कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के लिए क्या स्पेशल केस होंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो स्पेशल केस देख लेते हैं दोस्तों, स्पेशल केस, और दोस्तों इसके लिए हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, U बराबर पी ई कॉस थीटा, यानी U बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, यानी कि
फर्स्ट मैं देख लेता हूँ, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो, ये मेरा द्विध्रुव ऐसे हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो दोस्तों थीटा का मान कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? 1 होगा। तो यू इक्वल टू आ जाता है मेरा, यहीं लिख लेता हूँ मैं, यू इक्वल टू आ जाता है मेरा पी ई। तो दोस्तों ये आती है मेरे पास स्थायी संतुलन अवस्था, स्थायी संतुलन अवस्था। और दोस्तों इस कंडीशन में जो स्थिति ऊर्जा आती है वो क्या आती है? ऋणात्मक, यानी कि इसका मिनिमम मान हमको प्राप्त होता है। ऐसे दोस्तों दूसरा केस मैं देख सकता हूँ, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो? लंबवत हो, यानी थीटा का मान 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यू का मान क्या आ जाता है? 0। और एक केस और हो जाता है दोस्तों, जब थीटा का मान हो 180 डिग्री, यानी कि कॉस 180 डिग्री का मान हो जाता है माइनस का 1। तो दोस्तों इस कंडीशन में यू आ जाता है मेरा ये कॉस माइनस का 1, यहां से आएगा कॉस 180 का मान माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि पी ई। यानी कि दोस्तों इस कंडीशन में जो स्थिति ऊर्जा है वो क्या आएगी? धनात्मक, यानी इसका मान मैक्सिमम प्राप्त होगा, और ये अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है, यानी कि इसमें द्विध्रुव असंतुलन अवस्था में होता है। तो दोस्तों ये थे बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के व्यंजक, और ये था बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का समीकरण। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।